हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें से हमें पहला को जो क्वेश्चन है वो है द रिक्स फॉर टीबी इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन, यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो कि टीबी होने का जिसमें खतरा रहता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो आंसर है वो है एड्स, दूसरा है हमारा विच डिसीज कंडीशन इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को या इन्फेक्शन को किसके कारण होता है। ठीक है, तो मम्स में ये देखा जाता है द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब फैट इन्फ्यूसेस इज। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जो पार्किंसंस रोग है या डिसीज जो है वो किस के कारण होती है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती है हमारा नेक स्टिफनेस इज मेनिनजाइटिस इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो नेक स्टिफनेस है वो यानी कि जो एड्स जाती है उसको हम मेनिनजाइटिस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेक स्टिफनेस को क्या कहते हैं। उसके बाद राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमारा पहला आता है सीरम पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली स्क्वायर पर लीटर इज हाइपोकैलीमिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फिको ओरल रूट। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग है ये, तो इनमें से राइट एंड रॉन्ग लगाना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है ओलिगोयूरिया इज यूरिन आउटपुट लेस देन 400 मिली स्क्वायर पर डे और 200 मिली स्क्वायर पर हॉर्स। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है यूरोलिथियासिस इज कैलकुलस इन किडनी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है ईसीजी इज रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिलअप आते हैं, तो उसमें हमारा आता है BPH स्टैंड फॉर, यानी कि BPH को हम क्या कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी इसका आंसर है। द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन इज कॉल्ड एज, यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया। एक्युमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी इज, प्लूरल कैविटी में पस का एक्यूमुलेशन होने को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमिया। उसके बाद TSH, ठीक है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, फुल फॉर्म पूछी है तो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स इसका आंसर है। एंड इज अ ड्रग्स दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग एंड नोजिया, यानी कि कौन सी मेडिसिन है जो कि वोमिटिंग और नोजिया पर इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओंडासेट्रोन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें चार करने होते हैं। तो इसमें पहला हमारा रोल ऑफ नर्स इन पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट में नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट इन हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है हाइपोवोलीमिया का। उसके बाद हमारा आता है गायनोकोमेस्टीरिया, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद ल्यूकीमिया। सिक्स क्वेश्चन हमारा आता है बेलीफेराइटिस, बेलीफेराइटिस के बारे में लिखना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और 4 करने होते हैं। तो इसमें पहला हमारा डिफाइन असेप्सिस क्या होता है, उसके जो प्रिंसिपल्स है सर्जिकल असेप्सिस के उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है COPD क्या होता है उसको डिफाइन करना है, COPD के रिस्क फैक्टर्स को लिखना है और डिस्क्राइब करना है मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट को। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं और उसका मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट
लिखना है जिस पेशेंट को मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन हुआ है। इस मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा डिफाइन स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होते हैं, उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो किस कारण से होता है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट लिखना है हमें स्ट्रोक का, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है डायबिटीज मलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मलाइटस होने के रिस्क फैक्टर्स को लिखना है, यानी कि किस किस के कारण हो सकते हैं, साथ ही साथ कोज भी लिखने हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखने हैं डायबिटीज मलाइटस के, और डायबिटीज मलाइटस होने के बाद व्यक्ति को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उसके बारे में भी लिखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, वो सॉरी सिक्स क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट है, डिफाइन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप जो है, डिफरेंट टाइप्स के बारे में लिखना है एनेस्थीसिया के। फिर उसके जो रोल्स हैं नर्स के, एनेस्थीसिया के दौरान नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में भी लिखना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का। ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।